इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डालें हेडलाइंस पर। भिलाई तीन में 8 जोड़े बंधे, परिणय सूत्र में राज्य की योजना का लिया लाभ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के छत्तीसगढ़ आगमन पर राज्य के मुखिया भूपेश बघेल ने किया जोशीला स्वागत, विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा। और नगर निगम भिलाई की सामान्य सभा गहमा गहमी के बीच संपन्न, विपक्षी पार्षदों में दिखा रोष। अब खबर विस्तार से। महापौर नीरज पाल के महापौर बनने के उपरांत नगर निगम की पहली सामान्य सभा शुक्रवार 25 मार्च को संपन्न हुई। सभा में महापौर और उनकी परिषद सहित पक्ष विपक्ष के सभी पार्षद उपस्थित हुए। शहर विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सामान्य में अंत तक सदन में बहस जारी रही। नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद शहर सरकार का गठन होने के उपरांत नगर निगम सभागार में पहली सामान्य सभा विभिन्न विषयों को लेकर संपन्न हुई। सामान्य सभा में महापौर नीरज पाल सहित उनकी परिषद के सदस्य और पक्ष विपक्ष के सभी पार्षद उपस्थित हुए। सभापति गिरवर साहू की उपस्थिति से सामान्य सभा की कार्रवाई शुरू हुई। सभा के शुरू होते ही दोनों पक्षों के पार्षदों के बीच विभिन्न विषयों को लेकर टकराव, बहस की स्थिति निर्मित होते रही। भाजपा पार्षद भोजराज भोजू, रिकेश सेन, पीयूष मिश्रा ने नगर निगम द्वारा बिक्री किए जा रहे भूखंडों, संपत्ति को बेचने आदि का मुद्दा उठाया, जिस पर महापौर परिषद के सदस्यों और विपक्षी पार्षदों के बीच हंगामे की स्थिति निर्मित हुई। विपक्षी पार्षदों के सवालों का जवाब देने महापौर परिषद के सदस्य सीजू एंथोनी जवाब देने के लिए खड़े हुए और विपक्षियों को वस्तु स्थिति से अवगत कराने की कोशिश की, जिसके बाद महापौर परिषद के लक्ष्मीपति राजू अपने स्थान से खड़े हुए और जवाब दिया। महापौर परिषद के दोनों वरिष्ठ पार्षदों के बाद महापौर नीरज पाल ने भूखंडों की बिक्री, राजस्व की प्राप्ति आदि को लेकर सभापति के माध्यम से विपक्ष के पार्षदों को जवाब दिया। विभाग के द्वारा 29/8/2020 को 1248 भूखंडों को विक्रय करने के अनुरोध करने की अनुमति हमको मिली। उसके बाद इसके लिए लाइन नगर निगम को एजेंसी भी शासन के द्वारा किया गया। अंतरण की स्वीकृति प्रदान करने हेतु कलेक्टर जिला दुर्ग को अधिकृत किया गया। इसी प्रक्रिया के शासन के पत्रानुसार भूखंडों के अंतरण से प्राप्त राजस्व आनुपातिक रूप से राजस्व मद और नगर निगम मद में जमा कराया जाएगा, ऐसा शासन का मंशा थी। लेकिन उसको हमने पिछले महापौर परिषद की बैठक से, क्योंकि 5.5 करोड़ रुपए लगभग हमारे पास आ चुका है, ये क्योंकि भूमि नगर निगम की थी और इसका अधिकार भी नगर निगम का है, ये अनुमति हमको दी जाए कि इसका पूरा लाभ नगर निगम के क्षेत्र में इसका लिया जा सके, ये पत्र जा चुका है। उसके बाद मौके पर सत्यापन कराया जाने पर 900 जो 1238 में से 962 भूखंड ही उपलब्ध थे, उसमें से कुछ हमारी योजनाओं में चले गए थे, कुछ 96 भूखंड जो है वो अवैध कब्जे में चले गए थे, जो कि उसके ऊपर अभी आगे कार्रवाई होना है। वो डिटेल भी अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको दे सकता हूँ। प्रशासक महोदय द्वारा पारित संकल्प दिनांक 1/4/2021 जो भी बात कर रहे थे पीयूष जी द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश ग्रुप द्वारा अनुमोदित गठित समिति के अनुशंसा के अनुसार 25 भूखंडों के अंतरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। दो चरणों में 25 भूखंडों के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसमें से 23 भूखंड के लिए निविदा स्वीकृत हुई थी। 23 भूखंड जो है वो से आउट हो गए थे, नीलामी में उन लोगों ने भाग लिया था। दो भूखंडों के लिए निविदा प्राप्त नहीं हुई थी, जिसमें कोई भाग नहीं लिया। महापौर जी, दूसरी बार में तो आप बता रहे हैं, दो पार्ट में हुआ था, पहले पार्ट में हुआ था। पहली बार जो मैं बताया आपको, पहली बार वैसे ही हुआ था, 7 भूखंडों में निविदा आई थी, राजस्व की प्राप्ति थी जो निगम कोष में जमा है। वर्तमान में भी 939 भूखंडों को फिर से उनका ऑक्शन किया जाना है, जिसमें से
मौके पर सत्यापित 117 भूखंडों की जानकारी नगर निगम में ये आने के पहले, ये विषय आने के पहले हो चुकी थी। कुछ भूखंडों की जानकारी आनी थी, लगभग 280 भूखंडों की सत्यापित जानकारी अभी हमारे पास आ गई है, जिसको हम लोग नीलामी के माध्यम से नीलामी में जा सकते हैं, ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से जा सकते हैं। इसके बाद भवन अनुज्ञा जाकर क्रमशः भूखंडों का परीक्षण कराकर आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सदन से ये अपेक्षा है कि ये इसमें उनकी सहमति अगर हो जाती है, क्योंकि हमारे अपने स्तर पर यहाँ पे नीलामी होना है, कलेक्टर महोदय उसके लिए शासन से नियुक्त है, इससे हमारे नगर निगम को एक प्रीमियम के रूप में बड़ी आय मिलेगी, जो नीलामी के माध्यम से उसके बाद संपत्ति कर और जो साथ में जो दूसरे कर जो होते हैं वो सारे एक आय के रूप में मिलेंगे। इससे नगर निगम की एक स्थायी आय भी होगी और प्रीमियम के रूप में एक बड़ी राशि हमको मिलेगी, जिससे हम अपने क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में कुछ काम कर पाएंगे। इसी मंशा के साथ ये प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत था। मेरा सदन से अनुरोध है कि सारी चीजों को भूल के इसको अगर सहमति देंगे तो ये नगर हित में, नगर निगम के हित में होगा, ऐसी मंशा मेरी है। सभी से आग्रह, सदन के सम्मानित सभी 70 पार्षदों से आग्रह, आगे शहर नीलाम क्यों होगा, आगे शहर की नीलामी क्यों करवानी चाह रही है, खड़ा बंद हुआ था उसके बाद से सिस्टम चलते आ रहा है, कोई औने बन की बात नहीं है, ये औने टेंडर होगा और जिससे राजस्व लाभ मिलेगा। और जहाँ तक तरह लेटर प्रेषित भी किया गया है कि भाई ये जो पैसा निगम में रह जाकर, दिवालियापन की बात नहीं है, तो पहले साढ़ा भवन भी सिस्टम चलते आया है, सर साढ़ा के कार्यकाल में चलते आया है, नगर पालिक निगम के ढिलाई के बनते ही साथ ऐसा कोई अधिकार नगर निगम के पास हमारे पास नहीं था, राज्य शासन की अनुमति के बगैर एमआईसी क्यों पास करके सदन को राज्य सरकार को भेजी है कि ये जमीन संपत्तियों को बेचना है, क्या हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे मुख्य पैसा नहीं, तो अधिकारी बता दीजिए अकाउंट घोषित हो गया है। पार्षद जी, ये योजना का जो प्लॉट है पहले से था, अभी कहने के योजना के प्लॉट जो है साढ़ा कार्यकाल से रखे हुए हैं, सन 1991-2000 में माननीय श्रीमती नीतल प्लॉट बेचने क्यों नहीं बेची, प्लॉट बेचना राम जी क्यों नहीं बेचे, त्रिपुरा यादव जी क्यों नहीं बेचे, देवेंद्र यादव जी क्यों नहीं बेचे, अभी तक अनुमति नहीं मिली। मेरा एक निवेदन है अध्यक्ष महोदय, शहर की संपत्ति को बेचना निश्चित कहीं ना कहीं दिवालियापन अगर हासिल हो रहा है, आप बता दीजिए कि शहर दिवालिया घोषित हो गया तो हम 70 पार्षद आपको अनुमति देते हैं। सर अध्यक्ष महोदय, ये योजनाओं के तहत पंजाब से आ रहा है, इसी का योजनाओं के तहत इसको बेचा जा रहा है, जो योजना लागू है उसी के तहत किया जा रहा है, जब इसका अभी तक आदेश नहीं आया था, आदेश जब आ गया तभी है इसका योजना में ऐसी कौन सी योजना आई है हमें बता दी जाए, कौन सी योजना है जिसे सामान्य सभा ने पास की है कि शहर की सरकार भेजा जाए, ये अभी की योजना नहीं है अध्यक्ष महोदय, मानता है कि राजस्व भूमि कुछ वहाँ है, तो वो अपना अधिकार कुछ अनुपातिक रूप से चाहता था, जिसको हमने बोला है कि क्योंकि ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है नगर निगम की, इसका पूरा लाभ जो पिछले 23 लाख की नीलामी से आया है वो भी हमारे नगर निगम के कोष में लगभग 5.5 करोड़ रुपए जमा है, और इससे भी ऑप्शन के बाद एक अच्छी खासी इनकम होगी और संपत्ति कर के रूप में भी हमारी आय बढ़ेगी, जो कि हमारे शहर के विकास में सारे वार्डों के पार्षदों के क्षेत्र में काम करने के, विकास करने के काम आएगी, ये इससे इनकम नगर निगम की बढ़ेगी, कोई हम दिवालिया नहीं हो रहे, और इससे विकास का हम लोग आगे जो काम है जो सभी वार्डो में करना है उसको हम कर पाएंगे। जितनी भी जगह है इस राशि में लिखा हुआ है कि नगर पालिक निगम विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की अधिपत्य की भूमि है, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण सन 1999 में नगर निगम बन चुका था, नगर निगम बनने के बाद जितनी भी हमारी जो भूमि है वो हमारी अपनी भूमि है, ना कि नजूर की भूमि है, ये मेरा मानना है, और मेरा मानना नहीं है, कागज बोल रहा है, एग्रीमेंट बोल रहा है।
भूखंड भूमि के अंतरण के प्राप्त राजस्व की अनुमति के रूप में राजस्व मत छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व मत शहर सरकार की संपत्ति बेचेंगे आप और राजस्व मत छत्तीसगढ़ शासन के इसमें जमा करेंगे। ऐसी क्या नौ बताएंगे कि राज्य सरकार हमारे वरिष्ठ पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा ने भी सदन में अपने विचार रखे। सामान्य सभा की बैठक दिनांक 25 तारीख को आहूत की गई। उस बैठक में विषय के रूप में जिस पे आज चर्चा हो रही है उस विषय के रूप में नगर पालिक निगम में विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं के रिक्त व्यावसायिक आवासीय सह व्यावसायिक भूखंडों के आवंटन की अनुमति के संबंध में प्रस्ताव लाया। अध्यक्ष महोदय, आवंटन के संबंध में अनुमति आप चाहते हैं और विषय की संक्षेपिका जो हमको देते हैं उसमें जिन बातों का आपने उल्लेख किया है उसमें विभिन्न रिक्त व्यवसायिक आवासीय सह व्यवसायिक भूखंडों के आवंटन, इसमें सबसे पहले संक्षेपिका में चूंकि नगर निगम है, नगर निगम नियम अधिनियम 1956 के तहत इस कानून के किताब के तहत चलता है। इसमें मेरा व्यक्तिगत मत या आपका व्यक्तिगत मत का कोई महत्व नहीं। इस कानून के अंतर्गत आपको चलना है और कानून में रिक्त भूखंडों को नीलाम करने का अधिकार विभिन्न धाराओं में आपको दिया हुआ है और आप नगर निगम की आय बढ़ेगी इस नियत से इस प्रस्ताव को लेके आए। ये प्रस्ताव में अधिकार हमको कब बना, ये राजपत्र में जब इसकी घोषणा की गई, राजपत्र में नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 15 नवंबर 2021 को। बहरहाल नगर निगम की सामान्य सभा में सभी पार्षदों सहित निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, सभी जोन के आयुक्तों और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को अपने निवास कार्यालय में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आत्मीय स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर राजधानी रायपुर पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर छत्तीसगढ़ से कोल सप्लाई नहीं हुआ तो 4,500 मेगावाट बिजली के पावर प्लांट बंद हो जाएंगे। ऐसे में स्टेट के अंदर बड़ा बिजली क्राइसिस आएगा, हमें छत्तीसगढ़ पर डिपेंड रहना पड़ता है। काफी लंबे अरसे से हम इसकी मांग कर रहे हैं, हमारे अधिकारी भी लगातार संपर्क में थे। हम लोग आज बात करेंगे और सीएम को
कन्विंस करेंगे कि कोयले की परमिशन दी जाए। पूरी राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है कि कब परमिशन मिले, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हर राज्य की अपनी समस्या है, हम उसे भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने बगैर पूछे परमिशन दे दिया हो। राजस्थान को यहाँ पर केंद्र ने कोल ब्लॉक अलॉट किया है। महिला बाल विकास द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत 8 जोड़े परिणय सूत्र में बंध गए। भिलाई 3 स्थित मंगल भवन में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ में कई आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बेटे बेटियों के धूमधाम से विवाह के सपनों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना साकार कर रहा है। योजना के तहत शुक्रवार को भिलाई 3 के मंगल भवन में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 8 जोड़े नव दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किए। मंगल भवन में आयोजित विवाह समारोह में चरोदा निगम के महापौर निर्मल कोसरे व MIC के सदस्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने परिणय सूत्र में बंधे नव जोड़ों को बधाइयां दी और उनके मंगलमय जीवन की कामना की। उन्होंने नव दंपतियों को गृहस्थ जीवन के लिए उपयोगी उपहार भी भेंट किए। इस अवसर पर महापौर निर्मल कोसरे ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया है, इसमें समाज को गढ़ने की भी कल्पना है। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने और दहेज जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाने के लिए शुरू किए गए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की तारीफ दिल से की। साथ ही महिला बाल विकास भिलाई परियोजना अधिकारी पद्मजा सिन्हा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा अभिनव पहल महिला बाल विकास विभाग के द्वारा किया जाता है। सभी जिलों में सभी परियोजना में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विवाह किया जा रहा है। भिलाई परियोजना 2 के अंतर्गत भी आज 8 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार की जो अभिनव पहल है, जो भी गरीब परिवार है जो शादी करने के लिए काफ़ी खर्च करना पड़ता है, और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने घर परिवार को गिरवी रख के या खेती बाड़ी को बेच के भी विवाह करते हैं, वो जो खेती बाड़ी उनके जीविका उपार्जन के लिए काम आए, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ये जो राशि 15,000 रुपये दिया करता था, लेकिन आज हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने 25,000 रुपये की राशि बढ़ा दी है। मैं इस पुनीत काम के लिए छत्तीसगढ़ शासन के महिला बाल विकास विभाग के और हमारे DPO और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई एवं नव दाम्पत्य को बहुत शुभकामनाएं एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आज परियोजना भिलाई 2 के अंतर्गत 8 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह में मुख्य बात यह है कि हम लोग विवाह सामूहिक रूप से करते हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ की कोई भी मूल निवासी कन्या जो है उसको आवेदन हमारे विभाग के माध्यम से करती है। उसके उपरांत हम लोग उसके सब प्रकरण को जांच के उपरांत हम लोग शामिल करते हैं इस योजना में, और हमारी टीम एक दिन निश्चय करके सामूहिक विवाह को गायत्री परिवार के माध्यम से आयोजन कराती है, उसका सफल। हाँ जी सर, 14,000 रुपये का हम इसमें उपहार सामग्री देते हैं नव दंपत्ति को। इसके अतिरिक्त कन्या को 1,000 की राशि चेक के रूप में दी जाती है। 5,000 रुपये में हम उसको वैवाहिक वस्त्र और श्रृंगार सामग्री देते हैं तथा 5,000 रुपये प्रति जोड़ा उनके विवाह आयोजन पे खर्च हो। सामूहिक विवाह का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा किया गया। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी सहित वर वधु के परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। वही नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 69 के पार्षद कोमल दास टंडन व उनके साथियों के कुछ लोगों ने क्रिकेट के बैट और स्टंप से पिटाई कर दी। पार्षद अपने साथियों के साथ गुरुवार को सेक्टर 9 स्थित क्रिकेट ग्राउंड में विवाद को शांत कराने गए थे। इस पर उनका वहां दूसरे पक्ष से विवाद हो गया। इसके बाद मामला भिलाई नगर थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पार्षद कोमल दास टंडन की पत्नी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मेरे पति कांग्रेस पार्टी से पार्षद हैं और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है। मेरे पति को कांग्रेस का पार्षद होने का दंश झेलना पड़ रहा है, उन्हें जातिगत गालियां भी सुननी पड़ रही। क्या मामला है और आपके साथ में इस तरह की मारपीट की घटना को अंजाम किसने दिया? ये ले भाई, वार्ड नंबर 69 से कोमलता स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ मैं। मैडम जी, ऐसा हुआ था, बच्चे लोग का खेल खेल में ही झगड़ा हुआ मैडम जी, तो उनको सुलझाने गए थे हम मैडम जी। अपने बिल्डिंग का है जो सेक्टर में लड़ाई कर रहे हैं बच्चे लोग, उनको मैं समझा देता हूँ करके। इनका पप्पा भी गया था, सुंदर राव भैया गए थे, अनमोल सिंह गए थे, तो उनको समझाने गया हूँ। जो
जो मारपीट किए लड़के लोग मैडम जी, जो खेल के दौरान में जैसे गया मैडम, तो मेरे को देख के अपने यहीं के अरुण था और सैमुअल डेविड करके है, उनके दोनों लड़के हैं जो गाली गलत देने लगे, कहाँ का तू पार्षद है, काय का पार्षद है तू, सतनामी जात का है, मेरे को इस टाइप का गाली दिया मैडम जी, लोग नीच जात का है तू, यहाँ पर काय के लिए आया, इस टाइप का गाली दिया मैडम जी, जातिगत गाली जी मैडम जी। शिकायत इसकी थाने में नहीं करा? थाने में किए मैडम, हमारे रिपोर्ट ही नहीं लिखे मैडम जी उस टाइप का, हमारे थाने में इलेक्ट्रिसिटी थाने में नहीं लिखे, नहीं लिखे मैडम जी। कहाँ का लगाया था? ये हाथ में लगा है मैडम जी, यहाँ लगा है मैडम जी, सीधा नहीं हो रहा मैडम जी, देखिए पूरे दम। अभी आप क्या चाह रहे और ये एक बार नहीं, कड़ी से कड़ी सजा चाहते हैं मैडम, जो हमसे मारपीट किए हैं, जो सैमुअल डेविड है मैडम, अरुण है, साहिल अरुण है, उनके लड़के दोनों लड़के हैं उनके मैडम जी। तो पहले भी ऐसी घटना करें क्या? करे हैं मैडम जी, ये दूसरी तीसरी बार है मैडम जी हमारे साथ में। आप पार्षद हो जी मैडम, और एक जनप्रतिनिधि पे इस तरह का उनका वार करना, आपने थाने पे शिकायत दर्ज कराने के लिए जो मांग रखे या गए थे तो उस पर कार्रवाई किसी तरह की नहीं की गई? नहीं की गई मैडम जी। अभी क्या चाह रहे हैं आप? हम कार्रवाई हो, अच्छे से उनके सजा मिले मैडम जी उनका। हाँ, मैं कोमल दास टंडन की मिसेस बोल रही हूँ। वो ये क्या बोलते हैं, जाति के लिए, नीच जात के हैं, छोटे जाति के हैं, पार्षद बने हैं, नहीं तो हम छोटे जाति के हैं तो क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं? हम पार्षद में नहीं हो सकते हैं? कितने हमारे घर में दो दो बार आके हमको गाली गलौज किए हैं जाति के नाम से, तो और किसी नाम से, जब से प्रचार ये चुनाव में जीते हैं हुए हैं तब से उन लोग बौखला गए हैं कि उन लोग सोचे नहीं थे कि ये जीत जाएगा, ऐसे करके अचानक ऐसा हो गया तो उन लोग एकदम, तो उन लोग दहशत में आ गए हैं। दो दो बार हो गया, तीन तीन बार हो गया, दो बार तो जाने दो, ऐसे करके हम तो छोड़ दिए, चलो भाई है मिलके रहेंगे ऐसे करके, लेकिन लोग लोग समझ नहीं रहे हैं। और मेरे पति को ताजा मामला ये वाला क्या है? हाँ, मेरे पति को मार दिए हैं। ऐसे तो दोबारा तो ऐसा और हो सकता है कि जानलेवा हमला हो सकता है, आधा मुए किए हैं। तो इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के।
सुपर प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। जी हाँ, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध है। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है, पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली, हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वेराइटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991100, 07884230926। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर सुपेला भिलाई छत्तीसगढ़। फोन नंबर 777-30-777-111-777-30-777-222। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों के लिए। छत्तीसगढ़ टेनिस महासंघ ऑल इंडिया टेनिस असो छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ द्वारा BSP के टेनिस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर में ITF जूनियर वर्ल्ड टूर J5 का आयोजन 21 मार्च से किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का समापन 26 मार्च शनिवार को किया जाएगा, जिसमें विभिन्न वर्ग, बालक एवं बालिका वर्ग के विजेता व उप विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे ने गढ़वो नवा भिलाई चरोदा के सूत्र वाक्य के साथ 256 करोड़ का अपना पहला बजट पेश किया। वहीं बजट पर चर्चा के लिए समय की मांग करते हुए विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। चरोदा निगम के महापौर निर्मल कोसरे ने गढ़वो नवा भिलाई चरोदा के सूत्र वाक्य के साथ 256 करोड़ का अपना पहला बजट प्रस्तुत किया। बजट पर चर्चा के लिए समय की मांग करते हुए विपक्ष ने जमकर हंगामा जहां किया, वहीं महापौर निर्मल कोसरे, संतोष तिवारी, वेंकट रमना, मोहन साहू, शारदा लावेश मदनकर, मनीष वर्मा सहित कांग्रेस के सभी पार्षद बहुमत के आधार पर बजट पारित करने की मांग की। वहीं सभापति ने बहुमत के आधार पर सत्ता पक्ष से ध्वनि मत से बजट पारित कर दिया। वहीं इस बजट को लेकर निगम महापौर निर्मल कोसरे और निगम के सभापति कृष्णा चंद्राकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, हम लोगों ने किसी भी प्रकार का नया कर का बढ़ोतरी नहीं किया है। क्षेत्र का जो विकास है, विकास सर्वांगीण रूप से होनी चाहिए। क्षेत्र के विकास करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारी परिषद के हमारे MIC मेंबरों ने, हमारे सम्मानित सभी पार्षदों ने सुझाव दिया, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो चीज़ें होनी चाहिए वो होनी चाहिए। और उसके लिए पहले जो इन लोग बजट प्रस्तुत किया करते थे, बजट में जो पूर्व साल में हुआ है उसी को उसमें एक्सरसाइज करना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी मूलभूत आवश्यकताएँ हैं,
रोड नाली रास्ता तो बनता ही है, लेकिन इससे भी हट के जैसे सभी सौदाहों को हम लोगों ने रेनोवेट करने के लिए बजट में प्रावधान रखा है, सभी शमशान घाटों का सौंदर्यीकरण करने का प्रावधान रखा है, मल्टी स्पेशलिस्ट जिम बनाने का हम लोगों ने प्रावधान रखा है, विभिन्न जो रेलवे के क्षेत्र में भी है या देवलोदा क्षेत्र है वहाँ आप जाएंगे तो लाइट नहीं लगा, हम लोगों ने सोलर लाइट लगाने का प्रावधान रखा है। आप देखे होंगे कि भिलाई चरौदा में वर्षों पुरानी मांग रही खेल स्टेडियम के, हम लोगों ने खेल स्टेडियम के लिए भी प्रावधान रखा है। चरौदा में हमारे मिनी इंडिया कहा जाए, वहाँ फुटबॉल प्रेमी लोग बहुत रहते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने 4 करोड़ राशि का प्रावधान रखा है। विभिन्न चौक चौराहों में आप देखे होंगे कि आपराधिक गतिविधियाँ भी लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए सभी चौक चौराहों के लिए हम लोगों ने CCTV कैमरे का भी प्रावधान हम लोगों ने रखा है। इसके अलावा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, इसके लिए भी हम लोगों ने बजट का प्रावधान रखा है, वहाँ भी ऑडिटोरियम बने, विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, उनको अच्छा सांस्कृतिक गतिविधियां मिल सके। इनके अलावा विभिन्न वार्डों में जो टेंट लगाते हैं उनके लिए काफ़ी पैसे की खर्च होती है, इसके लिए हम लोगों ने डोम बनाने का भी प्रावधान रखा हुआ है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आम जनता का भी जो सुझाव आया, हमारे सम्मानित पार्षदों का भी सुझाव, उन सभी सुझावों को हम लोगों ने शामिल किया है। प्रेस के साथियों के लिए बैठने की व्यवस्था के लिए भी हम लोगों ने प्रावधान किया हुआ है। इनके अलावा भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, गरीब बच्चे हैं या क्षेत्र के जो लोग आते हैं उनको ज्ञानवर्धक पुस्तकें मिले, इसके लिए भी हम लोग ने पुस्तकालय के लिए भी प्रावधान रखा हुआ है। जो वर्ष जो होंगे उस पर आप कैसे मॉनिटरिंग करेंगे ताकि वो साल भर के अंदर वो काम हो, मूर्त रूप में जमीनी रूप में वो दिखाई दे? देखिए सारे जो नगरीय निकाय क्षेत्र है जो स्वनियोजित क्षेत्र होते हैं, साधन संसाधन हमको खुद से करना पड़ता है, जितने भी टैक्स और जितने भी आय के सोर्सेस हैं उनसे ही निगम संचालित होती है। नगर निगम भिलाई चरौदा में 173 छोटे मोटे उद्योग हैं। 22-23 के बजट में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का प्रोग्राम रखा है जिसको हम लोग अमल कर रहे हैं। इसको प्रधानमंत्री जी बहुत खुश होकर इस प्रोग्राम को खुद ही अमल करवा रहे हैं, तो हम लोगों को बोला गया है कि यहाँ कोई पैसे कमी नहीं होगा, आप लोग विकास की गंगा बहाएं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ कोई भी काम को कमी नहीं करेंगे, जनता खुश रहे। और आज की बजट में बहुत अच्छा बजट रहा जिसमें हमारे सभी सम्मानित पार्षद ने की सराहना किया है और भाजपा वाले भी इसमें सहयोग किए हैं। हम लोगों का बजट है शिक्षा की ओर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोले थे शिक्षा का बजट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, स्कूल को बहुत सुंदर बनाएंगे, स्वच्छ रखेंगे। और दूसरा शिक्षा है तो उसके लिए तो इंटरव्यू के माध्यम से स्वामी आत्मानंद स्कूल में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अच्छे अच्छे टीचर रख रहे हैं तो वो भी अच्छा पढ़ाई होगा। स्वास्थ्य में हमारे स्वास्थ्य मंत्री तो बहुत अच्छे हैं, स्वास्थ्य की ओर आपका 5 लाख का क्या योजना बोलते हैं उसको, आयुष्मान योजना, वो भी चला रहे हैं। और आगे की और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और कई योजना है जिसको बजट में पेश किया और अच्छा बजट रहा है, और ऐसा बजट दूसरा मुख्यमंत्री आज 15 साल रहे हैं उसका नहीं रहा है। महापौर द्वारा बजट प्रस्तुत करने के बाद भाजपा के पार्षद चंद्र प्रकाश पांडे, खिलावन वर्मा, तुलसी ध्रुव, राकेश बंचोर, तुषांत वर्मा, प्रेमलता चंद्राकर, कुसुम चंद्राकर सहित सभी पार्षदों ने बजट पर चर्चा के लिए 2 दिन का समय मांगा, जिस पर सभापति कृष्णा चंद्राकर ने नियम कायदे का हवाला देते हुए समय देने से साफ इनकार कर दिया। वहीं गुस्साए भाजपा पार्षद सभापति की आसंदी के सामने जमीन पर बैठकर नाराजगी जाहिर करते देखे गए। सभापति ने बजट पुस्तिका के अध्ययन के लिए 1 घंटे का समय दिया। वहीं इस बजट पुस्तिका को अध्ययन करने के बाद विपक्षी पार्षदों ने इस बजट को अपूर्ण बताया। देखिए बजट को लेकर के बजट के लिए हम लोगों को समय नहीं दिया गया, बजट पे हम लोग अध्ययन करके और तब बजट पे हम चर्चा करते हैं। हम बजट पे अध्ययन करने के लिए हम मांग भी किए थे लेकिन हमारी यहाँ सुनी नहीं गई। अब बजट पे चर्चा हुई है तो वो भी अधूरा हुई है, पूरा चर्चा हो भी नहीं पाई है, समय भी नहीं था। अब बजट पे चर्चा शायद कराना नहीं चाहते हों तभी वो समय हमको दिए नहीं। रही बात बजट का, जितना समझ में आया उतना मेरे को तो ये समझ में आया कि वही बजट जो है 2022 का जो बजट है वो मृग मिर्चिका के समान है। जैसे गर्मी के दिनों में हिरन प्यासा व्याकुल होकर के
और इधर उधर दौड़ती है और जिधर देखती है उधर उसको पानी नज़र आता है, और जैसे फिर वहाँ पे जाती है तो देखती है तो धूल और धूल के सिवा वहाँ पे मिट्टी के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता है। सेम वैसी ये बजट है, ये बोलने को कहने को दिखाने को बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन ये नगर निगम भिलाई चरोदा के लिए छलावा है, छलावे का बजट है और ये सिर्फ दिखावे का बजट है। मैं इस बजट का घोर निंदा करता हूँ। बजट में कुछ नहीं है, सिर्फ छलावा दिखावे के सिवा कुछ बजट में नहीं है। हमारी बातों को सुन नहीं रहे थे, इसलिए हमको अपने सदस्यों के साथ में ज़मीन में बैठना पड़ा। और हमारे निगम के महापौर हम लोगों से 3 दिन पहले सुझाव मांगे थे बजट के विषय में। हम लोग सभी सदस्य अपना अपना सुझाव दिए थे, उस सुझाव को भी इस बजट में रखा नहीं गया, इसलिए हम लोग बहुत निराश है और निराशाजनक बजट रहा इस बार। इस बजट तो अभी हम लोग कोई संतुष्ट नहीं, हमारे जितने भाजपा प्रत्याशी हैं, पार्षद है, सदस्य है, कोई इसमें संतुष्टि नहीं है कोई इस बजट से, क्योंकि इस बजट में महिलाओं, गरीब महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ रखा नहीं है। और जब कोई महिला, हम इस बजट के बारे में चर्चा करना चाहते थे तो पीछे से जो कांग्रेसी पार्षद थे हल्ला कर रहे थे, बोलने नहीं दे रहे थे कि बजट पर कोई चर्चा न किया जाए। बहरहाल गहमा गहमी के बीच ये बजट प्रस्तुत किया गया। विपक्षी पार्षदों ने इस बजट को अपूर्ण बताया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलन खरे की रिपोर्ट। वहीं दूसरी ओर बीएसपी के नगर सेवाएं प्रवर्तन विभाग द्वारा बीएसपी के 7 आवासों में अवैध रूप से काबिज कब्जेधारियों से आवास खाली करवाकर रखरखाव कार्यालय और एलओटी को सौंपा गया। संपदा न्यायालय से पारित डिक्री के आधार पर मकानों को खाली करवाने कार्रवाई की गई। वहीं प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों द्वारा सेक्टर 6 में 12 अवैध कब्जेधारियों को मकानों को खाली करने नोटिस दिया गया है। गौरतलब है कि टाउनशिप क्षेत्र में मकानों के दलाल लोगों को गुमराह कर अपना मकान बताकर अवैध रूप से बीएसपी के आवासों को किराए पर देते हैं और रकम वसूलते हैं। ऐसे दलालों से सावधान रहने की अपील प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों ने की है। साथ ही कहा है कि बीएसपी कभी भी अपने मकानों को किराए पर नहीं देती, केवल कर्मियों को ही मकान अलाट किए जाते हैं। अवैध रूप से मकानों में निवासरत किराएदारों से मकानों को खाली करवाने निरंतर कार्रवाई किए जाने की बातें अधिकारियों ने कही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग नगर निगम के पूर्व पार्षद विजय जलतारे का 15 वर्षीय पुत्र पिछले 2 दिनों से लापता है। काफी तलाश के बाद भी जब उसका कहीं पता नहीं चला तो परिजनों ने मोहन नगर थाने में इसकी शिकायत की। बताया जा रहा है कि पूर्व पार्षद का पुत्र श्रेयस कक्षा 9वीं का छात्र था। परीक्षा में पेपर बिगड़ गया था, जिसके कारण डर कर छात्र कहीं चला गया है। छात्र की तलाश में जुटी मोहन नगर पुलिस ने श्रेयस के सेक्टर 2 निवासी एक दोस्त से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका 9वीं का पेपर बिगड़ गया था। रिजल्ट को लेकर वह काफी परेशान था। उसके अपने दोस्त से कहा था कि रिजल्ट निकलने से पहले 23 मार्च को वह घर से कहीं चला जाएगा। बहरहाल पुलिस ने लापता छात्र की तलाश सरगर्मी से प्रारंभ कर दी। इसके साथ ही यहां रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं ग्रैंड एशियन न्यूज पर। हर्पिस, एचआईवी एड्स और हेपेटाइटिस, ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, हर्पिस सिंप्लेक्स, हर्पिस जेंटेलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिंप्लेक्स और हर्पिस जेंटेलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक
रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर एच सी अग्रवाल, डॉक्टर वी के अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कॉम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कॉम में से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ दो यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ चार वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, स्पेशल टेरिफ प्लान फॉर कॉर्पोरेट, मैरिज एंड अदर फंक्शंस, ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल। स्वीट होम अवे फ्रॉम होम, पावर हाउस रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में, पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मनुष्य जितना सभ्य होता जा रहा है उतना ही लापरवाह होता जा रहा है। सुविधाओं की आड़ में मनुष्य जिस धरती पर रहता है और जिस धरती को माँ कहता है, साथ ही जिस वातावरण में सांस लेता है उसे ही बर्बाद करता जा रहा है। इन बातों ने दुर्ग जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य और समाज सेवी श्रीमती श्रद्धा पुरेंद्र साहू पर इतना गहरा असर डाला कि वे खुद ही चल पड़ी इन समस्याओं के प्रति आम जनमानस को जागरूक करने। आइए आप भी देखिए कि ये किस तरह से प्रकृति के साथ वातावरण और बेजुबान पशुओं के उद्धार के लिए कार्य कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शर्मा आपका ग्रैंड एशिया न्यूज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभियान बहुत सारे चलते हैं, पहल बहुत सारी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी अभाव में योजनाएं भी दम तोड़ देती है, अच्छी पहल जो होती है शुरू वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन हमारे साथ आज एक महिला है जिनका नाम है श्रद्धा पुरेंद्र साहू। इन्होंने एक अनूठी पहल शुरू की है और इसके तहत ये पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश को, पूरे देश को पॉलिथीन से मुक्त करना चाहती हैं। लेकिन क्या ये संभव है? संभव हो सकता है। इसके लिए जरूरी होगा कि आप और हम पहले जागरूक हों और एक बात आप इनकी बातें सुनिए कि इन्होंने किस तरह से इस पहल को मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। आइए मिलते हैं श्रद्धा पुरेंद्र साहू मैडम। मैडम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमने ऐसा सुना है कि आपने कुछ एक पहल की है पॉलिथीन को बंद करने को लेकर। जाहिर सी बात है, पॉलिथीन हमारे शरीर के लिए ही नहीं पूरे वातावरण के लिए नुकसानदेह है, तो किस तरह से आप लोगों को जागरूक कर रही हैं, ऐसा क्या प्रयास कर रही हैं जिसकी वजह से हमने ऐसा सुना है कि आपको बहुत सम्मान भी मिले हैं इसको लेकर के, तो बताएंगे आपकी छोटी सी पहल शुरू से बताएंगे क्या आपने की। हमने भोजन व्यवस्था पे फोकस किया, जो सभी चीजों का जड़ है भोजन, और भोजन हमें प्राप्त होता है धरती माता से। तो मैंने देखा कि कंटिन्यू हम पढ़ रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं कि प्लास्टिक मुक्त अभियान, प्लास्टिक से क्या क्या नुकसान हो रहा है ये हम सब जान रहे हैं, तो वो कंटिन्यू न्यूज़ में देख रहे हैं। तो फिर मैंने थोड़ा 20-25 साल पहले अपने बचपना को याद किया कि जब हम उस समय भोजन व्यवस्था करते थे, कोई भी अनुष्ठान करते थे अपने घर में, सुख का हो दुख का हो,
तो हम पेड़ वाला पत्ता यूज करते थे, और या तो घर में पॉसिबल हो पाता 20-25 लोगों का, तो आस पड़ोस से भी खाली कलेक्ट करके एक दूसरे के घर से बर्तन लाके हम भोजन व्यवस्था कराते। पर आज इतनी सुविधा और आधुनिकता के दौर पे और कहीं ना कहीं असंपन्नता ऐसी है कि हम किसी के घर से मांगने के लिए भी शर्माते हैं, तो इसलिए बहुत सारे रीज़न बनते गए जिससे हम प्लास्टिक कोटेड बर्तन जो रेडीमेड मिलता है जिससे बहुत बदबू आती है, और दूसरी बात गिलास के लिए डिस्पोजल यूज़ करते हैं जो इतना हार्ड प्लास्टिक होता है कि वो कहीं डिस्पोज होता ही नहीं, वो तो इसको जब हम फेंकते हैं खा के तो वहाँ पे आप देखिएगा कि डॉगी गाय ये सब एकदम से वहाँ पे झूम जाते हैं कि उनको 2-4 दाना वहाँ पे मिल जाए, और उसको 2-4 दाना ढूंढते ढूंढते कई गाय मैं देखी हूँ कि वो पत्तल को खा लेती हैं। अब वो पत्तल जब वो खाती हैं तो पेट में उनके जाता है, और दूध कौन पीता है? हम मानव, हमारे बच्चे हम। और जब हम वो हार्मफुल जो पत्तल है बदबूदार उसमें जब गर्म भोजन डालते हैं तो सबसे पहले तो हमको नुकसान होता है, फिर जब हम फेंक देते हैं क्योंकि गीला रहता है, जलाते भी नहीं, हम जलाएंगे भी तो उससे हानिकारक गैस निकलेगा, तो फेंक देते हैं गाय को नुकसान, नहीं फेंकते तो मिट्टी चट्टान बन रही है प्लास्टिक खा खा के। तो मैंने देखा कि हम सब कहीं ना कहीं बहुत धर्म से जुड़े हैं, संस्थानों से जुड़े हैं, लेकिन इतना भी बड़ा करोड़ों रुपए का हम आयोजन करा लिए और 56 वो भी रख लिए, लेकिन हम खा रहे हैं प्लास्टिक में और धरती माता को खिला रहे हैं प्लास्टिक, फिर वही कचरे को नगर निगम हो चाहे ग्राम पंचायत हो वो फिर उनको फिर पैसा खराब कर दिया अपना खर्चा कर दिया साफ कराने में, उसके कचरे का स्थानांतरण हो रहा है वो कहीं से खत्म नहीं हो रहा है। और फिर हमने देखा अभी हमारे जो हम प्रकृति को दिए वापस प्रकृति ने हमको दे दिया, तो इसके लिए फिर स्टील बर्तन बैंक की स्थापना की है। मैंने देखा कि जब पहले हम पड़ोसी के घर से लाते थे कचरा नहीं होता था, लेकिन ऐसा क्या रीज़न है? तो मुझे लगा कि ये संपन्नता है, और थाली का साइज गिलास का साइज स्वाभाविक है सबके घर का अलग अलग रहता, तो शर्माने लगे हैं लोग। तो फिर मेरे मन में आया कि जब मैं एक जैसा थाली दूंगी 50-100 लोग बैठ के खाएंगे अगर एक जैसे खाएंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा, शुद्धता भी रहेगी, और आपका पैसा कचरे में जाएगा ही नहीं क्योंकि आप एक अनुष्ठान कराते हैं तो 2-3 हज़ार का कचरा खरीद लेते हैं और वापस फेंक देते हैं, तो ये काफ़ी सक्सेस रहा। तो मैंने पहले तो 100 बर्तन खरीदे, 100 थाली और 100 गिलास, 100 चम्मच, 100 कटोरी मैंने खरीदा, और फिर जैसे मेरे में निमंत्रण आता तो मैं उनको फिर फ़ोन नंबर से कॉन्टेक्ट करती कि आप अपने मेहमानों को शुद्ध और स्वच्छ भोजन कराइए, आप इतना अनुष्ठान करा रहे हैं बर्थडे करा रहे हैं तो आप धरती माता को प्लास्टिक मत दीजिए, क्योंकि आप बहुत सारा आइटम रखेंगे बर्थडे आपके घर से मेहमान खुश होकर जाएगी लेकिन प्रकृति को आप रुला रहे हैं, है ना। तो ये बातें ना लोग समझने लगे, बहुत अच्छे से स्वीकार किए, और जब बर्तन ले जाते गए डिमांड बढ़ता गया तो फिर मैंने इसको 500 किया, 500 बर्तन फिर से खरीदा, और फिर उसके बाद टीम बना करके महिला स्व सहायता समूह जो अच्छे युवा वर्ग हैं युवा मंडल उनसे फिर कॉन्टेक्ट करके वो छोटा छोटा मीटिंग कर करके उनको मैं मोटिवेट करती गई गाँव गाँव जा करके, तो बहुत लोग जुड़े और बहुत अच्छे से ये कार्य चल रहा है। अभी करीब 35 से 40 ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक की स्थापना हो चुकी है अलग अलग जगह पे, और स्वच्छ भारत मिशन ने भी मुझे गाँव को कैसे स्वच्छ रखें जो आप मुहिम चला रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है इससे क्या होगा, तो मुझे एक स्टोरी मांगा गया था, उन्होंने स्टोरी लिखकर दिया उनको, फिर उन्होंने दिल्ली भेजी उस स्टोरी को, और सक्सेस होकर टीम आई वहाँ पे, ये स्टोरी उनको अच्छा लगा तो टीम आकर के यहाँ पे निरीक्षण किए थे, और जब उनको सक्सेस लगा तो उन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया कि अपने सभी स्वच्छाग्रही महिलाओं को निर्देश दिए हैं कि आप बर्तन खरीदिए और अपने गाँव को कचरा मुक्त कीजिए। मैडम आपका अभियान अभी सिर्फ ग्राम पंचायत तक सीमित है, तो इसको आप और कहाँ तक ले जाना चाहती हैं? क्या शहरी जो परिवेश है, क्या जैसे गांव में आपको इस अभियान में सक्सेसफुल हो रही है, आपको बहुत सफलता मिल रही है, आपको लगता है कि शहरी क्षेत्रों में ये अभियान काम कर पाएगा? जी जी सर, बिल्कुल, शहरी क्षेत्रों में भी ऐसा है कि यहाँ पे बैठा के नहीं खिलाते हैं,
हम बफर सिस्टम होता है अपना निकालिए खाइए, पर यहाँ भी हम जो गिलास रखते हैं डिस्पोजल वो ना रख करके हम कांच का गिलास या स्टील का गिलास रखें और परमानेंट वहाँ पे सफाई के लिए एक किसी को रोजगार दे दें, महिला को या पुरुष को, तो उनको भी रोजगार मिल जाएगा। और बहुत सफाई से हम अपने ईमानदारी से अगर काम करें तो सफाई के साथ रखते जाएं तो काफ़ी लोग पसंद करेंगे। और ज़्यादा सेफ्टी है तो आप अपना बॉटल खुद लेके आइए, जब लोग देखेंगे कि हमको वहाँ पे गिलास में पीना पड़ रहा है या सफाई नहीं है, खुद लेकर के चलेंगे। बॉटल आज भी लोग खरीद के पी रहे हैं तो, और शहर में हम बफर में भी बैठा के खिलाने के लिए तो ये मैंने बताया, लेकिन बफर में भी हम जा कर टीम जहाँ से उनको निमंत्रण मिला रहता है, मेहमान के रूप में बुलाते हैं, वहाँ पर जा करके हम एक भोजन के लिए प्लेट चाहिए हमको और कटोरी डिस्पोजल के लिए जो लेते हैं ना, तो जब हमारे थाली में कुछ अन्न बच जाता है डिस्पोजल में, जैसे रायता बच गया, गाजर का हलवा बच गया और प्लेट, हम सभी चीज़ों को एक ही कंटेनर में डाल देते हैं। उससे होता क्या है कि भोजन के साथ कटोरी भी है और धोने वाला जो है वॉश करने वाला एक साथ फेंक देता है, तो वो भोजन पूरा सड़ता है। वो कैसे खाएगा, जानवर खाता भी है तो तरस के खाता है, तो हमने उसके लिए भी काम किया। तीन कंटेनर रख देते हैं, एक जगह एक ही कंटेनर रखते थे, अब हम लोग तीन कंटेनर रखते हैं। आपका जूठा भोजन बचा है उसको आप एक कंटेनर में छड़ा दीजिए और फिर आप कचरे को एक कंटेनर में डालिए, जैसे फल के लिए स्टिक है जो गाय के मुंह में ना चुभे, डॉगी के मुंह में ना चुभे, वो आप उसमें डालिए दूसरे कंटेनर में, और एक कंटेनर में थाली डालिए, तो थाली फिर उसमें बहुत सारा आता है, जो दाल एक साथ डालते थे तो भोजन सही पूरा बिखर जाता था, जहाँ चलना भी मुश्किल होता था बफर में, तो वो सब हमने बंद किया है और हम कंटिन्यू इस पर काम कर रहे हैं। हमारी टीम भी है, हमेदा के युवा संगठन है, आदर्श ग्राम हमेदा दुर्ग में, यादव समाज के युवा और सभी समाज के युवा हैं, तो उन्होंने भी बहुत ही अच्छे से दूर दूर जा करके हमसे मिल करके काम कर रहे हैं। हमारा मुहिम तो एमपी तक भी पहुँच चुका है और नगर निगम बालोद में भी, मैं कल नगर पालिका बालोद के अध्यक्ष हैं माननीय विकास शुक्ला जी से भी बात करके आई, यहाँ भी रिसाली नगर निगम में भी मैं कंटिन्यू उनकी बात कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा दूसरे जिलों में भी अपनाया जा रहा है इसको। जिला पंचायत सीओ सर से भी मिली, उन्होंने कहा कि आप और भी गांव में लिस्ट लेकर के जा करके आप महिलाओं को मोटिवेट करें, मैडम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आपका। कलेक्टर साहब को भी अपन देख चुके हैं, काफ़ी सक्सेस है। तो मैडम बहुत अच्छी पहल है आपकी, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से एक आम जनता को आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए क्या संदेश, छोटा सा संदेश अगर आप देना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? मेरा बस एक ही निवेदन है हम सभी मानव से कि आप भोजन करा रहे हैं, 56 भोग रखते हैं आप अपने मेहमानों के लिए, एक दिन व्यवस्था रखते हैं तो आप पूरे भाव से भोजन कराते हैं, मैं उसके लिए सहृदय आभारी हूँ हम सब के लिए, लेकिन उसके बदले में आप धरती माता को प्लास्टिक खिला रहे हैं, उसी को मैं बंद करने के लिए कहूँगी कि आप उसके जगह में स्टील बर्तन बैंक का उपयोग कीजिए। आज जगह जगह स्टील बर्तन बैंक ओपन हो चुका है, और दूसरी बात यह है कि कैटर्स वाले भी सिर्फ कागज का गिलास उपयोग करें और नहीं तो अपना स्टील बर्तन कांच का गिलास यूज करें तो कचरा काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि जनरली हम कैटर्स को ही दे देते हैं भोजन व्यवस्था करने के लिए और उनके द्वारा ही उपयोग किया जाता है, तो मैं कैटर्स वालों से निवेदन करूंगी कि आप सहभागी बने पर्यावरण को बचाने के लिए, आपको भोजन व्यवस्था जो हम मानव के लिए चाहे जीव जंतु के लिए भोजन ही सबसे बड़ा एक माध्यम है हमारे लिए, तो उसी में जब हम इतना कचरा कर दे रहे हैं तो ये उनके माध्यम से भी बहुत सफाई हो सकती है कटर्स के माध्यम से। तो श्रद्धा मैडम बहुत ही अच्छी पहल है आपकी, हम आपको सबसे पहले तो आपके इस पहल की बहुत बहुत बधाई देंगे और कामना करेंगे कि आप अपने इस मकसद में जरूर कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी श्रद्धा उरेंद्र साहू, बहुत ही एक अच्छी विचार, बहुत ही अच्छी सोच लेकर के इन्होंने कदम बढ़ाया है और हम भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं और ये जानते हैं कि प्लास्टिक कितना खतरनाक है, तो हमें भी अपनी तरफ से कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, पहल करनी पड़ेगी। किसी ने अगर एक अभियान छेड़ा है तो आइए हम भी उनका साथ दें, उनके अभियान में साथ चलकर इस अभियान को सफल बनाएं, क्योंकि ये अभियान अगर सफल होगा तो कहीं ना कहीं
जिसे हम माँ कहते हैं, धरती माँ, तो ये अपने धरती माँ के लिए एक बहुत बड़ा उपहार होगा। दोस्तों कदम बढ़ाते हैं इनके अभियान की तरफ। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए मैं हूँ संतोष शर्मा। रिसारी के हिंदनगर में बने प्रधानमंत्री आवासों का आवंटन जल्द प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए निगम रिसारी का आयुक्त आशीष देवांगन ने आवासों का अवलोकन किया एवं इन आवासों तक पहुंच मार्ग को जल्द बनाने एवं हितग्राहियों की सूची बनाने निर्देश दिए। इस आवास में 1 BHK मकान की कीमत 75,000 रूपए रखी गई है, जिसे लेने के लिए BPL हितग्राहियों को पहले 5,000 रूपए देने होंगे। बाकी की रकम आवंटन पश्चात मासिक किश्तों में अदा करना होगा। साथ ही क्षेत्र में किराए के मकानों में रहने वालों को भी इसका लाभ मिल पाएगा। शास्त्री मार्केट पावर हाउस स्थित अपना केसरी लॉज के संचालक द्वारा किए जा रहे निर्माणाधीन अवैध निर्माण को ढाणे नगर निगम द्वारा कार्यवाही की गई। लॉज संचालक द्वारा बिना अनुमति के 2 मंजिल का अतिरिक्त निर्माण कर लिया गया था। नगर पालिक निगम भिलाई के तोड़फोड़ दस्ते की टीम ने शास्त्री मार्केट पावर हाउस स्थित अपना केसरी लॉज में हुए अतिरिक्त निर्माण को तोड़ने कार्रवाई की। टीम ने निर्माणाधीन 6वीं मंजिल को तोड़ा। लॉज संचालक द्वारा बिना अनुमति के अतिरिक्त निर्माण किया जा रहा था। नगर निगम ने इसके लिए 2 महीने में 4 बार नोटिस जारी किया था। बावजूद लॉज के मालिक ने नोटिस का जवाब देने की बजाय निर्माण करना शुरू कर दिया था। इसकी जानकारी नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे को होने पर कार्रवाई करने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए, जिसके बाद निगम के सब इंजीनियर सिद्धार्थ साहू और सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू के नेतृत्व में तोड़फोड़ दस्ते की टीम ने अवैध निर्माण को ढहाने कार्रवाई की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।